प्यारे संगीत प्रेमियों, आप सबों को स्वामी शांतिदेव का हार्दिक प्रणाम। ओशो म्यूजिक एकेडमी आप सभी संगीत सीखने वाले मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता है। पिछले लेसन में आपने एक सरस्वती वंदना सीखा है। हम आशा करते हैं कि आप अब उसे अच्छी तरह समझकर बजा रहे होंगे, गा भी रहे होंगे, लेकिन उसमें एक ही अंतरा आपको दिया गया था। क्योंकि एक अंतरा का अगर हम स्वरलिपि सीख लेते हैं तो किसी भी अंतरा को हम बजाने में सक्षम हो सकते हैं। ये गाना आप देख लीजिए, ये पूरा सॉन्ग है। यदि हो सके तो आप इसका फोटो कर लें। और आज हम आपको एक बाल संगीत सिखाने जा रहे हैं जिसका बोल है, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। और ये गीत ये है, अगर हो सके तो आप इसका भी फोटो कर लें। साथ ही इस गीत का कंपोजिशन यहां है, मैं इसे आपको अलग अलग स्थाई और अंतरा देखिए, ये है इसका स्थाई, ये स्थाई है गीत का, और ये है इसका अंतरा। ये आप देख रहे होंगे अंतरा है। ये सारे कंपोजिंग आप ठीक से या तो इसका फोटो करके रख लें या इसे अपने डायरी में उतार लें। और अब आइए इस गीत को बजाने के तरीके सीखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि यह जो गीत है ये इसमें जो भी स्वर लग रहे हैं वो कौन कौन से स्वर लग रहे हैं इसका थोड़ा आप ध्यान कर लें। इसमें एक स्वर है केवल जो कोमल लग रहा है और वह स्वर है नी। आप देख रहे होंगे नी कोमल लग रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं, इस गीत को सीखते हैं। सबसे पहले यह कॉर्ड के साथ म्यूजिक से शुरू हो रहा है, तो देखिए कॉर्ड कैसे लगाते हैं। कॉर्ड है सा म ध। आपने स्वर का ज्ञान तो कर ही लिया होगा और हमारे द्वारा दिए गए 20 अलंकारों का अभ्यास भी आप कर रहे होंगे, तो आपको ये ज्ञान हो गया होगा कि कौन से शुद्ध स्वर हैं, कौन से कोमल स्वर हैं, कौन से तीव्र स्वर हैं। तो आइए ये जो हम लगाते हैं अभी, ये सा म ध, ये बाद में हम समझाएंगे, ये मेजर कॉर्ड होता है सा म ध। अब इसको हम आगे जो म्यूजिक बजाते हैं वो किस तरह से बजाते हैं ये देखिए।
ये म्यूजिक बजाने के बाद तब हम गीत की अस्थाई का बोल गाते हैं। तो इसमें ये जो म्यूजिक बज रहा है, आपने देखा इसमें कौन कौन से स्वर कैसे कैसे लग रहे हैं, देख रहे हैं, सारे मा, ये दो बार लग रहा है, सारे मा सानी रे 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 रे, ये 8 मात्राओं में हुआ, सारे मा सानी रे 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 रे, सारे मा सानी रे 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 रे, और इसके बाद फिर है अब है सारे मा सानी सा 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 सा, ये देखिए। ये भी 8 मात्रा का है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 16 मात्रा, 16 मात्रा में ये पूरा म्यूजिक बज रहा है। देखिए अब मैं 16 मात्रा को बजा करके आपको दिखाता हूं। सारे मा सानी रे 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 रे, सारे मा सानी सा 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 सा, सारे मा सानी रे 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 रे, सारे मा सानी रे सा 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 सा। तो यहीं से फिर आगे हम गाना शुरू करते हैं। जरा एक बार आप गाना सुन लें एक लाइन, फिर मैं उसका कंपोजिंग आपको बताऊंगा। फूलों से तुम हंसना सीखो, खबरों से तुम गाना, ठीक है, इसको दो बार गाते हैं। फूलों से तुम हंसना सीखो, खबरों से तुम गाना। इसमें स्वर कौन कौन से लगते हैं इसका ध्यान कीजिए। देखिए फूलों से तुम, अब ये 4-4 मात्राओं का आप ध्यान करें पहले, और फिर हम 16 मात्रा को एक साथ लेंगे। पहले 4 मात्राओं में कौन कौन से स्वर किस तरह से लग रहे हैं, जैसे फूलों से तुम, इसके लिए कौन कौन स्वर हैं, फूल फूलों से, ये एक ही मात्रा में दोनों स्वर है। जब एक मात्रा में दो स्वर रहे तो नीचे एक ऐसी चांद की तरह बनी हुई एक घेरा आपको मिलेगी। ये इस चांद के घेरे में जितने स्वर होंगे उसको आप एक ही मात्रा में गाएंगे, ठीक है। तो देखिए सा सा रे मा मा, सा सा रे मा मा, ऐसे गाते हैं इसको। फूलों से तुम हंसना सीखो, अब ये हंसना सीखो, मा मा पा मा रे सा, है ना, ये हंसना, हंसना के लिए है मा मा पा मा, एक एक मात्रा में दो दो स्वर है, मा मा पा मा रे सा। तो ये 8 मात्रा को हम कैसे बजाएंगे, देखिए, सा सा रे मा मा पा मा रे सा, फिर से देख लीजिए, सा सा रे मा मा पा मा रे सा, सा सा रे मा मा पा मा रे सा, फूलों से तुम हंसना सीखो। ये तो हो गया फूलों से तुम हंसना सीखो, और अगली पंक्ति है भंवरों से तुम गाना। अब इसको हम कैसे बजाएंगे, देखिए, सा नी 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 रे रे मा सा सा, अब इसमें है सा नी नी
यानी सानी एक मात्रा, सानी नी, नीरे रे म एक एक मात्रा में है, नीरे रे म, नीरे रे म जब एक मात्रा में रहे तो थोड़ा तेजी से उसे गाना होता है, यानी एक मात्रा, एक मात्रा यानी आप ऐसे समझें कि घड़ी की जैसे सेकेंड वाली सुई अगर चल रही है तो वो एक सेकेंड में जो दूरी तय करती है समय की, उस समय की दूरी का ख्याल हमें स्वर में रखना होता है, वही मात्रा कहलाता है। अगर एक सेकेंड में एक ही स्वर है तो हम एक स्वर गाएंगे, अगर एक सेकेंड में यानी एक मात्रा के अंदर दो स्वर है तो हम दो स्वर गाएंगे, अगर एक मात्रा के अंदर तीन स्वर है तो हम तीन स्वर, उतने ही समय के अंदर हमें उन स्वरों को गाना है। तो इसको भी आप ध्यान करते चले, भबुर भबुरों से तुम गाना, सानी नी नीरे रे मा सा सा, इसका स्वर है सानी नी। अब जरा आराम से आप इसको देख ले, धीरे धीरे, सानी सानी एक मात्रा में, सानी नी दूसरा मात्रा, नीरे एक मात्रा, रे मा एक मात्रा, सा सा। अब ये जो डैश है आगे दो, इसका मतलब वो दो मात्रा है, तो हम सा सा जो बोलेंगे उसमें दो मात्रा तक और उस सा को लंबा कर देंगे, जैसे सा सा है ना, सा सा ये। तो इसको देखें, भवरों से तुम गाना, भवरों से तुम गाना। अब पूरी पंक्ति को एक साथ देखें, फूलों से तुम हंसना सीखो, भवरों से तुम गाना, सा सा रे मा मा, मा मा पा मा रे सा, सा नी नी नीरे रे मा सा सा, ये स्वर है। तो आप समझ रहे होंगे, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे कि इन स्वरों को हम कैसे बजाकर और तब गाएंगे। आइए अब आगे के स्वर को देखते हैं। अब ये है मध ध ध निशा सा सा। अच्छा देखिए, अब ये नी, चूंकि ये शुद्ध है तो ये नहीं लगेगा, कोमल नी इसमें लग रहा है, तो इसका हमको ध्यान करना है, ये लगेगा। तो ये है क्या, गाना पहले सुन लीजिए कि ये है क्या, फिर आगे। सूरज की किरणों से सीखो, ये है सूरज, सूरज माधा धाधा, सूरज माधा धाधा की निशा की किर, की किर निशा सा सा, माधा धाधा निशा सा सा, सूरज की किर नौ से सीखो, नौ से सीखो, नी पा पा पा। पहले तो ऐसे जाएंगे, माधा धा धा नी सा सा सा, नी पा पा पा, ऐसे आ जाएंगे। फिर पहले आरोह जो करते हैं उसमें डबल डबल स्वर हैं एक एक मात्रा में, और फिर जब अवरोह करते हैं तो उसमें डबल स्वर नहीं है, तो वो एक एक मात्रा में एक एक स्वर है, तो इसलिए हम उसको इस तरह से लेंगे, माधा धा धा नी सा सा सा, नी पा पा पा, सूरज की किरणों से सीखो। ये तो हो गया। अब हंसना और हंस, जगना और जगाना। अच्छा, सूरज की किरणों से क्या सीखना है,
सूरज की किरणें जब सवेरे सूर्योदय होता है तो हमें क्या संदेश देती है? फूलों से हमने क्या सीखा? हंसना और हंसाना। और अब सूरज से हम क्या सीखेंगे? जगना और जगाना। तो अब इसे हम देखेंगे कि ये जगना और जगाना कैसे बजेगा। अब ये जगना और जगाना, ये, और जस्ट उसमें जुड़ जाएगा बंदे रे। जगना और जगाना कहने के बाद जस्ट उसको जोड़ना है उसमें, कैसे देखिए। सा 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 नी सा नी धा धा धा, सा 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 नी सा नी धा धा धा। अब इस पर जो हम स्वर बिठाएंगे गाना, तो ऐसा है जगना और जगाना, ऐसा है। तो सूरज की किरणों से फिर से एक बार देख लें, सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अब फिर इसके बाद बंदे रे, बंदे रे, बंदे रे। अब ये बंदे रे किस तरह से स्वर लग रहे हैं इसको जरा ख्याल कर लें। बंदे रे, बंदे रे, सा सा रे, मारे रे सा रे, मारे रे सा, बंदे रे, बंदे रे, बंदे। अब ये तो हो गया बंदे रे, बंदे रे, ठीक है। और फिर हम अब दोबारा से बंदे रे करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्वर अंतर है, देखिए जरा। पहले तो मैंने किया बंदे रे, इसमें क्या क्या स्वर लगा रहे हैं हम वो देखिए। सा सा रे, मारे रे सा, मारे रे सा, ऐसे मारे रे सा, ऐसे लेते हैं कण स्वर के रूप में इसको लेंगे, मारे रे सा। बंदे रे, बंदे रे, ऐसे सा सा रे, मारे रे सा, बंदे रे, बंदे रे, ऐसे गाते। और फिर दोबारा से जब गाएंगे तो कैसे गाएंगे? नी 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 सा रे, पा मा धा पा, पा मा पा मा धा पा, पा मा। यानी इसको गाने से आपको पता चलेगा कैसे गाते हैं। देखिए अब ये स्वर को आप देखते रहिए कौन कौन स्वर लग रहे हैं इसमें। बंदे रे, ए बंदे रे, पा धा पा, पा मा मा, ऐसा ऐसा लग रहा है। पा धा पा, पा मा मा, बंदे रे, पा पा मा मा।
यस आपने देख लिया होगा। अब ये बंदेरे बंदेरे दो बार आपने देख लिया, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। बंदेरे बंदेरे, बिल्कुल आराम से देखिए। बंदे ये नेक्स्ट यानी दूसरी लाइन, बंदे रे हे बंदे रे, और पहली लाइन बंदे रे बंदे रे, बस ये यही तक है। बंदे रे बंदे रे, और दूसरी बार बंदे रे हे बंदे रे, नी सा रे पा पा धा पा पा मा मा। तो शायद ये आप समझ गए होंगे, अस्थाई इसका आपने समझ लिया। और इस तरह से फिर इस जगह वही म्यूजिक आ जाएगा, और इस तरह से यहां से फिर अस्थाई शुरू हो जाता है वही। फूलों से तुम हंसना सीखो, भवरों से तुम गाना, फूलों से तुम हंसना सीखो, भवरों से तुम गाना, सूरज के किरणों से सीखो जगना और जगाना। बंदे रे बंदे रे बंदे रे हे बंदे रे, अब हम आगे देखते हैं अंतरा। अंतरा किस तरह से है, अब इसमें एक उन्हीं स्वरों पर एक धुन है जिसको हम उन्हीं स्वरों पर ला 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 करके गाते भी हैं। जैसे देखिए, ये म्यूजिक के स्वर जो हैं इस पर आप इस समय यानी जब हम अस्थाई खत्म करते हैं तो इसको ऐसे भी गा सकते हैं। वहां जाके छोड़ देंगे और इसके बाद फिर अंतरा पकड़ेंगे। अंतरा है देखिए, पहले गाना मैं सुना देता हूं आपको। कौवे से तुम सारे सीखो ऊंची मंजिल पाना, सीखो ऊंची मंजिल पाना, सीखो ऊंची मंजिल पाना। अब इसका स्वर देख ले कि किस तरह से स्वर इसके लगते हैं। अब शुरू हो रहा है, यहां म से पकड़ लेते हैं हम फिर से, म से मा 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 धा धा। अब चार चार मात्राओं का ख्याल करके आगे हम बढ़ेंगे और पूरी लाइन को गाएंगे। देखिए उसमें स्पष्ट हो जाता है, जैसे चार अगर मात्रा को आप पकड़ लिया, कौए से तुम, बस ये है चार मात्रा, कौए से तुम। तो इसमें देखिए, कौवे से तुम, है ना, कौवे से तुम। अब इसमें देखिए, से तुम माधा धा मा मा माधा धा, कौवे से तुम, ये आप समझ रहे होंगे। इस तरह से बजाते हैं कौवे से तुम। और इसके बाद सारे सीखो, सारे सीखो इसमें है धा धा धा
निशा सा, धा धा निशा सा, सारे सीखो, है ना, सारे सीखो, धा धा निशा सा। तो अब ये पूरे को आठ मात्रा को हम ज्वाइंट करते हैं। देखिए तो स्वर बोलते हैं पहले मा 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 धा धा, धा धा निशा सा। फिर से एक बार देख लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए बिल्कुल, जो कोई कठिनाई नहीं हो। मा 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 धा धा, हो गया धा धा निशा सा। अब इस पर क्या है शब्द, कौए से तुम सारे सीखो। अब ऊंची मंजिल पाना, सीखो ऊंची मंजिल पाना, सीखो ऊंची मंजिल पाना, यानी इस तरह से रिपीट होता है वो, एक बार गाने के बाद दो बार और उसको सीखो ऊंची मंजिल पाना को रिपीट करते हैं और स्वर वही रहते हैं। देख लीजिए, अब ऊंची मंजिल पाना का क्या स्वर है, देखिए सा सारे रे सा सानी, ऊंची मंजिल केवल सा सारे रे सा सानी। अब ये जो भी स्वर आपको लग रहे हैं सा के बाद, ये तार सप्तक के सा हैं, तो सा और रे ये दोनों तार सप्तक के स्वर हैं। तार सप्तक के स्वर में क्या होता है, मैंने आपको स्वर लिपि चिन्ह परिचय भेज दिया है, तो उसमें आप देख रहे होंगे, पीछे मैं बता चुका हूं, जिन स्वरों के ऊपर अनुस्वार होता है उसे तार सप्तक का स्वर समझते हैं कि वो तार सप्तक का, और जिसके नीचे अनुस्वार होता है वो मंद्र सप्तक का स्वर समझा जाता है। तो यहां क्या है, अनुस्वार स्वरों के ऊपर है तो इसका मतलब वो तार सप्तक का है, तो तार सप्तक में ये है, ऊंची मंजिल के लिए है सा सारे रे सा सानी, सा सारे रे सा सानी, ऊंची मंजिल। आप समझ रहे होंगे अब इसको कि कैसे इसको प्ले किया जा रहा है, ऊंची ये हो गया ऊंची सा सारे, और फिर मंजिल रेसा सानी मंजिल मंजिल ऐसा मंजिल ऊंची मंजिल ऊंची मंजिल। अब है पाना, पाना ऊंची मंजिल पाना, ऐसा है ये निशा साधा पाना, निशा साधा पाना। अब ये पूरे को एक बार गाएं तो ये कैसा है, कौए से तुम सारे सीखो ऊंची मंजिल पाना, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसको इस लाइन को हम कैसे बजाएंगे। अब दूसरी लाइन देखिए कैसे बजाएंगे, वायु के झोंकों से पूछो हरकत में ले आना, अभी वायु के झोंकों से इसको देखें, वायु के झोंकों से सीखो, अब ये आठ मात्रा हुआ, इस आठ मात्रा को देखिए, धा धा निरे सा वायु के झो, ये होगा चार मात्रा, कौन से सीखो नी पा पा पा, धा धा निरे सा नी पा पा पा, वायु के झोंकों से सीखो, ठीक है,
अब आराम से आप देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि किस तरह से इसको बजाना है और कैसे गाना है। धा धा मेरे सा वायु के झोंकों से सीखो, ये तो आपने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हरकत में ले आना। अब ये हरकत में हम कैसे बजाएंगे, देखिए हरकत में ले आना। पहले तो इनके स्वर को आप ध्यान से देख लें और सीख लें। हर हरकत में ले, अब ये चार मात्रा में ये है, सा 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 नी सा नी धा, सा 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 नी सा नी धा, सा 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 नी सा नी धा, हरकत में ले, ये चार मात्रा में हुआ। और चार मात्रा और उधर आगे ले तक तो आ गए हम चार मात्रा, अब इसके बाद है आना। तो ये है, फिर से एक बार देख लें, हरकत में ले आना, फिर ध पर ही दो बार, अगर दो ध का प्रयोग वहां करते हैं दो बार दो मात्रा लगाते हैं तो उनमें आना आ गया, तो हरकत में ले आना, हरकत में ले आना, सा 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 नी सा 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 नी सा नी धा धा धा, सा 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 नी सा नी धा धा धा, हरकत में ले आना। शायद आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये कौन कौन से स्वर लगेंगे और ये किस तरह से बजेंगे। और मैंने बताया हुआ है कि ज्यो ही ये आना तो जस्ट यहां सा पर आप आ जाइए और सा से फिर से पकड़ लीजिए, फूलों से नहीं, बंदे रे फूलों से नहीं, अभी वो बाद में करेंगे। फिर तो बंदे रे अभी शुरू हो जाएगा, फिर देखिए बंदे रे शुरू हो जाएगा यहीं से। वायु के झोंकों से सीखो, हरकत में ले आना, बंदे रे फिर वही वही स्वर, क्योंकि वो तो स्वर वही रहेगा, जितना बार आप बंदे रे कहेंगे इस गाने के अंतर्गत स्वर वही रहेंगे, स्वर बदलेंगे नहीं, बस ये दो तरह से कहे जाएंगे। जैसे पहला बंदे रे, दूसरा बंदे रे, और इसी जगह वो म्यूजिक आएगा जिसको आप ऐसे भी गा सकते हैं, ला 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 ला। अब इसके बाद तब आप ये अंतरा पुनः दूसरा अंतरा शुरू कर लेंगे, बस यही है कंपोजिंग। ये सारे कंपोजिंग मैंने आपको दे दिए हैं और हम समझते हैं कि इस कंपोजिंग को देख के आप इस गाने को आराम से गावा जा सकते हैं। एक बार फिर इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ पूरे को कि ये है कैसे, गाने का जो धुन है वो कैसा है और कहाँ से हम गाना कैसे शुरू करेंगे। देखिए पहले यहीं से शुरू करते हैं म्यूजिक से, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना,
सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, बंदे रे बंदे रे बंदे रे बंदे रे। इसका कंपोजिंग मैंने इसमें नहीं डाला है, शायद ये छूट गया है, तो आप इसकी फिक्र ना करें। अभी मैं स्वर बता देता हूं इसके इसके लिए कि ये इसको कैसे गाएंगे। हो धा नी सा नी धा पा, देख लीजिए, धा नी सा नी धा पा, आज इतना ही, और अगले लेसन में फिर हम एक बहुत ही प्यारा सा गीत लेकर आ रहे हैं जिसका बोल है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये हमारा अगला लेसन होगा। ये लेसन जो अभी आपने सीखा ये लेसन नंबर 7 है। तो स्वामी शांतिदेव को अब इसी के साथ इजाजत दें, हमारा नमस्कार, धन्यवाद आपको हमारा ओसो म्यूजिक एकेडमी चैनल देखने के लिए, फिर से दोबारा से धन्यवाद।